नहीं? मालूम नहीं यार, कुछ दिनों से यहाँ बैठता है, ना कहीं आता है ना जाता है, ना किसी से कोई बात करता है। अच्छा, कोई दीवाना लगता है मेरे को। लगता तो है बेचारा। चल छोड़ यार, चलो अपना काम। रज़ाक, रज़ाक। जी बेगम साहिबा। वो गुरु सितार अभी तक बैठा है या चला गया है? इतनी बारिश हो रही है बेगम साहिबा, चले गया होगा। जरा देखो बाहर। जी बेटा। खिड़की में से देखो झांककर। वो बैठा हुआ है बेगम साहिबा और बारिश में भीग रहा है। वो सामने दुकान के छज्जे के नीचे क्यों नहीं चला जाता? छोड़े बेगम साहिबा, मरने दें। बहुत जिद्दी है, मैंने समझाया है, नहीं मानता। जी बेगम साहब, बाहर जाओ, उसको बुलाकर लेकर आओ अंदर। जी बेहतर। उठो। क्यों? मैडम ने बुलाया, चलो आओ। क्यों बुलाया तुम्हारी मैडम ने? वो मुझे नहीं मालूम, खुद अंदर चल के पूछ लो। खड़े क्यों हो? बैठो। नहीं जी, आपका सोफा खराब जाएगा। होने दो, कोई बात नहीं। शुक्रिया। सांवली जी, जाओ इनके लिए एक तौलिया ले आओ, वरना इनको ठंड लग जाएगी। नहीं जी, इसकी कोई जरूरत नहीं है। जरूरत है, वरना आप बीमार पड़ जाओगे।
शुक्रिया। तुम्हें क्या लगता है, तुम इस तरह कहो कि मैं मान लूं? क्यों नहीं मानेंगी जी, सच में बड़ी ताकत होती है। मैं सच कह रही हूँ, मरियम एक दिन थी जब मुझे मिली थी, तब से लेके अब तक मेरे साथ ही है। मैंने उसे पाला है, उसकी माँ भी मैं हूँ और बाप भी मैं हूँ। लेकिन डैडी ने तो मुझे बताया इसके माँ बाप मर चुके हैं और ये एक लवारिस। हाय अल्लाह, लवारिस क्यों जी, मैं हूँ ना, ऐसे तो ना कहें। देखो सतार, यही नाम है ना तुम्हारा? नाम तो मेरा चाहते जी, मगर लोग मुझे सितार से पहचानते। गुरु सितार, तुम्हारे जैसे बहुत लोग देखे हैं मैंने माशरे में, और तुम्हारे जैसे लोगों की बात पे एतबार करना एक हमाकत है। और याद रखना, तुम्हारी ये सारी बातें झूठ निकलेंगी और बाकी की सारी जिंदगी जेल की सलाखों के पीछे गुजरेगी। मुझे मंजूर है जी। अगर तो तुम अदाकार हो तो बहुत ही अच्छे अदाकार। सावली जी। जी बेगम साहिबा। मरियम कहाँ है? अपने कमरे में। जाग रही है वो? जी, बादल और बारिश की आवाज से वो उठ चुकी है। जाओ उसको लेकर आओ, मुझे उससे बात करनी है। जी मैं अभी लाई। मैं टॉवल लूँ। मरियम, मेरी जान, क्यों रो रही हो? अब मेरे पापा। हाँ, चलो तुम्हें तुम्हारे पापा से मिलवाने लेके जा रही हूँ। नहीं, आप नहीं मिलाऊंगी। उन बैड अंकल ने ना मेरे पापा को भगा दिया था, वो चले गए थे। बाहर बैठे हुए आओ, तुम्हें तुम्हारे पापा से मिलवाती हूँ। नहीं कह रही। अरे आओ ना, जल्दी आओ।